पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में सिलसिला कोह हमालिया व कराक्रम के दरमियान सतह समंदर से 7,500 से 8,500 फुट की बुलंदियों पर वाक़ खूबसूरत खित्ता बल्तिस्तान कहलाता है। ये इलाका जहाँ बुलंद बाला पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ ये सरसब्ज शादाब वादियों, नीलगूं झीलों, गुनगुनाती नदी नालों, तलातुम खेज दरियाओं, तेजदार आबशारों, वसी व अरीज ग्लेशियरों और सबसे बढ़कर ये कि मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों की सरजमीन है। चौदहवीं सदी ईस्वी में यहाँ ईरानी मुबल्लिगीन के जरिए इस्लाम की शमा रोशन हुई। महाफिल मजालिस में उलमाए किराम के दुरूस और वाज़ और इरशाद से बल्तिस्तान एक महजब व मुतमद्दिन माशरे का हामिल इलाका बन गया, जबकि यहाँ का अमन और अखुव्वत व बरादरी पूरी दुनिया के लिए आज भी मिसाल है। बल्तिस्तान में दीनी मदारिस की तारीख ज्यादा पुरानी नहीं। दर्स व तदरीस के इन मराकिज़ से सिर्फ नौजवान लड़के ही इब्तदाई अहकाम व अक़ाइद से फैज़याब हो सकते थे। रफ्ता रफ्ता बल्तिस्तान के तूल व अर्ज में लड़कों के लिए दीनी तालीम के कई अहम मदारिस कायम हुए, लेकिन ख़वातीन के लिए भी कोई ऐसा इदारा मौजूद न था जहाँ से वो दीनी तालीम हासिल कर सकें। चुनांची मरकजी इमामिया जामे मस्जिद स्कर्दू के इमाम जुमा वल जमात और बल्तिस्तान के सरकर्दा मुतदय्यन आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी ने इस बात का दर्क किया कि ख़वातीन की दीनी तालीम और तरबियत के बगैर एक महज़ब व मुतमद्दिन और तरबियत याफ्ता मुआशरे के क़याम का ख्वाब शर्मंदा ताबीर नहीं हो सकता। इसी एहसास के साथ जनवरी 1993 में स्कर्दो शहर में ख़वातीन के लिए एक बड़ी जुज़वक़्ती तालीमी इदारा कायम किया, जिसमें रोज़ाना 3 घंटे तालिबात की एक कसीर तादाद को दीनी तालीम और तरबियत दी जाने लगी। 2 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और 1995 में ख़वातीन के लिए कुल वक्ती जामिया कायम करने का फैसला किया गया। तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता खातून मुआशरे में मर्द से ज़्यादा जो है वो फ़ाल और इंतहाई बेहतर जो है खिदमत कर सके। हमारे इस इलाके में इब्तदाई जो है तालीम निस्वान के लिए कुछ प्रोग्राम थे, तशकील देते थे लोग, लेकिन बाकायदा एक इदारा जिसमें तरबियत भी हो, जिसमें तालीम भी हो, जिसमें खातून जन्नत सैयदा आलमीन ज़हरा मर्ज़िया सल्लल्लाहु अलैहि की तालीमात पे, उनकी सीरत पे बाकायदा अमली तौर पर भी अमल करने के हवाले से कोई इदारा नहीं था, तो एक ज़रूरत थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जामिया ज़हरा की तासीस हुई। ये अकामती तालीमी इदारा 1995 तो 2004 तक मुख्तलिफ किराए के मकानात में कामयाबी से चलता रहा, लेकिन तालिबात के आए रोज़ बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इदारे के लिए ज़ाती इमारत की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हुई। चुनांचे अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी की हिदायत पर मुखय्यर हजरात ने मुंबई अनवार मारिफ इस्लामी जामिया ज़हरा की तामीर के लिए अतियात जमा करने का सिलसिला शुरू किया। मार्च 2002 में स्कर्दो शहर में एक कतई जमीन हासिल करके जामिया ज़हरा स्कर्दो का बाकायदा संग बुनियाद रखा गया। बल्तिस्तान में 90% दीनियात सेंटर्स, दारुल कुरान, इब्तदाई इस्लामी मारिफ मालूमात जो पहुँचाने वाले जो इदारा है ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, इसमें 90% जो है वो जामिया ज़हरा से फारिग होने वाली ख़वातीन। जो 4 साला दौरानिया है, इसमें हम साल अव्वल में इब्तदाई तौर पर जब उनकी एडमिशन हो जाती है, एडमिशन के बाद आमोजिश कुरान, अहकाम, अखलाक, तारीख़ और सर्फ़ व नहू और फ़ारसी और अरबी ग्रामर पढ़ाते हैं। यहाँ से 4 साल 4.5 साल पढ़ने के बाद जब फ़ारिग़ तहसील होती है, ख्वाहरान पूरे पाकिस्तान में जो है तकरीबन ख्वाहरान एक्टिव है। वहाँ पर क़िबला शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब के हुक्म के मुताबिक भी उनकी जो मदारिस जो मुख्तलिफ़ जगहों पर है, असातीद के तौर पर हमारे ख्वाहरान को यहाँ से वो लेके जाते हैं। इस अकामती तालीमी इदारे का हॉस्टल 40 कमरों पर मुश्तमिल है। जबकि 8 कमरों पर मुश्तमिल असातिज़ा की रहायशगाह, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी, दारुल कुरान, शोबाए तबलीगात, डाइनिंग हॉल, किचन और क्लास रूम्स समेत 30 कमरों पर मुश्तमिल है। यहाँ इमारत के अंदर मस्जिद भी कायम है, जहाँ 5वीं वक्त बाजमात नमाज कायम है। इब्तिदा में 20 तालिबात से शुरू होने वाली इस जामिया में मई 2021 तक 400 तालिबात फारिग तहसील हो चुकी हैं, जबकि 95 तालिबात इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। मेरा नाम सैयद ज़हरा है और मैंने कॉलेज में BA किया है और मैं आगे भी बढ़ सकती थी, लेकिन मैं इस्लाम के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आई हूँ और मैं यहाँ पे आके इस्लाम के बारे में जान रही हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और मैं साल सेवम के ख्वाहरान को अल-मंतिक़ पढ़ाता हूँ। जामिया ज़हरा स्कर्दो में 4 साला तदरीसी निसाब, अहकाम, अकायद, अखलाक, उलूम कुरान, सर्फ़ व नहू, फ़लसफ़ा, मंतिक़, हदीस, तारीख़ इस्लाम और आदाब माशरत का अहाता करता है। नीज़ जदीद तकाज़ों के तहत कंप्यूटर, अंग्रेज़ी ज़ुबान और रोशनाई तबलीग, तदरीस और तहकीक की तालीम और तरबियत भी दी जाती है। जामिया ज़हरा स्कर्दो वफाकुल मदारिस शिया पाकिस्तान से इल्हाक शुदा इदारा है और इस मरकज से इल्हाक और असनाद के हुसूल का मकसद ये है कि मुरवजा तालीमी इदारों से फारिग होने वाले ख़वातीन की तरह दीनी मदारिस की तालिबात भी सरकारी इदारों में मुलाजमत के मौक़े से इस्तफादा कर सकती हैं। जामिया ज़हरा स्कर्दो में रूहानी अमल व तरबियत के लिए दर्स अखलाक व दुआओं की महफिलों, मुख्तलिफ उन्वानात पर सेमिनारों, मिलाद की महफिलों और कॉन्फ्रेंसों का इनकाद किया जाता है। जामिया ज़हरा स्कर्दो में हर साल मेरिट पर दाखिले दिए जाते हैं, जिसके लिए एक आला सतही तालीमी कमेटी की जेर निगरानी बाकायदा तहरीरी व जुबानी इम्तहान लिए जाते हैं। ये दरसगाह स्कर्दो में अनवारे मारिफ इस्लामी का एक अहम मंबा है। ये हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि इस जामे की काविशें अब रंग ला रही हैं और इससे माशरे में मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। घरेलू और अज़दवाजी जिंदगियों में तब्दीलियां आ रही हैं। ये सब कुछ इसलिए है कि ख़वातीन जो आमतौर पर दीनी उलूम से बेबहरा होती हैं, अब इस मादरे इल्मी के बासलाहियत असातिज़ा की तरबियत से फैज़याब हो रही हैं। मेरा नाम बिल्की ज़ाहदी है। मैं यहाँ जामिया ज़हरा स्कर्दो में टीचिंग करती हूँ और मैं इसी जामे में 5 साल पढ़कर यहाँ पर काशनासी मुकम्मल करके इस्लामाबाद अलमस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में गई हूँ। वहाँ से मैं अरशद मुकम्मल करके तहक़ीक़ बयानीली के दिफाया देने के बाद मैं एज़ाम होकर इसी मदरसे में वापस आई हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे इसी जामे में जिसमें मैं पढ़ के गई हूँ इसकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ मुझे खुदावंद आलम ने अता की। यहाँ से फ़ारिग़ तहसील ख्वाहिरान इल्म व अमल का नूर फैलाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। यूँ इस मादरे इल्मी के क़याम से इलाके में एक खामोश इनकलाब बरपा हुआ है। जैसा कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना, बतूले बाश किधर आगोश दादर आगोश शब्बीर बीर, इस तरह आपके मुसलमानों के ख़वातीन के आगोश में शब्बीर की सीरत पर चढ़ने वाले बच्चे किस तरह पैदा हो जाएंगे, कैसे होंगे जब तक बतूल बाश ज़हरा की मर्ज़ी है कि सीरत पर चले ना, पहले रास्ता हो जाए तालीम सीख लें। इस वक्त 100 जो है लड़कियां जो है इससे दीनी और इस्लामी तालीमात से आरास्ता हो रही है, चूँकि ये अमानत है हमारे लिए। यंग जवान ख़वातीन है और अमानत है, इसलिए हम उनके सेफ के लिए भी हमने हिफाजत के लिए भी हमने बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। हमारी तालीमी कमेटी है जिसमें यहाँ बल्तिस्तान के मशहूर जो है स्कॉलर्स हैं उलमा के अलावा वो इस कमेटी में शामिल है। वो इस बेहतरी के लिए रोज़ बरोज़ आनन फ़ानन मशवरे देते हैं, उन पर अमल करते हैं। हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम दानिश्वर हैं, हमारे हसरत साहब कमेटी के रुकन हैं, हमारे कासिम नसीम साहब कमेटी के रुकन हैं, और भी जो बेहतरीन पढ़े लिखे जो माशरे में जो है अफराद हैं वो उनकी मशावरत से काम लेते हैं उलमा के अलावा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मंबाए अनवारे मारिफे इस्लामी है और इंशाल्लाह ये सिलसिला बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह ताला।